आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता, विद्वान और कवि चितरंजन दास को याद कर रहे हैं। चितरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को हुआ था। देशबंधु के नाम से लोकप्रिय चितरंजन दास महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और बंगाल में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। পরানো ধারিতে যায় একটু বহিলে বাই কে যে আমি ভুলে। চিত্তরঞ্জন দাস নে লন্ডন মে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, अतुल प्रसाद सेन, सरोजिनी नायडू तथा अन्य से मित्रता की और उनके साथ मिलकर ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी को प्रवर्तित किया। 1894 में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए चितरंजन दास ने वकालत छोड़ दी और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। चितरंजन दास ने 1909 में अलीपुर बम मामले में शामिल होने के मामले में अरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। अपने उत्तर पारा भाषण में श्री अरबिंदो ने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया कि चितरंजन दास ने उन्हें बचाया। चितरंजन दास अनुशीलन समिति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। 1919 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान वो बंगाल की एक मशहूर हस्ती माने जाते थे। उन्होंने अपने यूरोपीय कपड़े जलाकर और खादी धारण कर ब्रिटिश कपड़ों के बहिष्कार की शुरुआत की। उन्नीस में चितरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के पहले महापौर के रूप में चुने गए थे। वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अहिंसा और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे और हिंदू मुस्लिम एकता, सहयोग और सांप्रदायिक सद्भाव की हिमायत करते थे। चितरंजन दास उस समय एक प्रतिष्ठित बांग्ला कवि के रूप में उभरे जब राष्ट्रीय आंदोलन के मुश्किल दिनों के दौरान उन्होंने मलंचा और माला नामक कविताओं के संग्रह के पहले 2 खंड प्रकाशित किए। 1913 में उन्होंने सागर संगीत का प्रकाशन किया। नामिये नाओ ज्ञानेर बोझा सोईते नारी बोझार भार आमार সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে নয়নে তেরে অন্ধকার। 1925 में अधिक काम करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। चितरंजन अपनी सेहत ठीक करने दार्जिलिंग गए थे। वहाँ महात्मा गांधी उनसे मिलने आए और कुछ दिन उनके साथ रहे। चितरंजन दास का 16 जून 1925 को निधन हो गया। आज ये हृदय कलकत्ता में उनकी अंतिम यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चितरंजन दास के निधन पर गांधी जी ने कहा था कि चितरंजन दास उन महान लोगों में से थे जिन्होंने सपना देखा और भारत की स्वतंत्रता की बात की। उनका दिल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं करता था और यहाँ तक कि वे अंग्रेजों के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखते थे। प्रभाते जागृत हृदय शेष करोगा हमार जीवन भरा विश्वेर आह्वान।